अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली अच्छा शो है, अच्छा चैनल है, प्रोडक्शन हाउस अच्छा है, और शो का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, ख़तरनाक है, तो वहाँ जाते हुए थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, और कॉन्फिडेंस भी है कि मैं सारी चीज़ें कर पाऊँगा बिकॉज आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग, यू नो, आप जहाँ पर थोड़ा सा आपको डर भी लगता है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होते हैं, आपको ये भी पता है कि आपको देर इज़ नो ऑप्शन, आपको सारे टास्क करने ही हैं, चाहे आपको डर लगे चाहे नहीं लगे. तो ये सारी चीज़ें जब आपके दिमाग में होती हैं और आप प्रिपेयर्ड होते हैं, तो यू फील एक्साइटेड कि आपको कुछ नया करने को भी मिल रहा है. डर की बात करें तो आपका फोबिया है, मतलब आप किस चीज़ से डरते हो? मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरता, मैं सिर्फ अपने माँ बाप से डरता हूँ और किसी से नहीं डरता. एंड थैंकफुली मेरे माँ बाप वहाँ पर नहीं है, तो मुझे वहाँ पर डर नहीं लगने वाला है. तो आपने अब तक देखे खतरों के खिलाड़ी के एपिसोड, उसमें आपको कोई भी टास्क सब इजी लगे थे करने के लिए कि फिर आपको लगा कि कुछ हार्ड है? सी, ईजी तो नहीं है टास्क, ऑनेस्टली सारे टास्क काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, बिकॉज ईजी होंगे तो यू नो सबके लिए इतना ईजी हो जाएगा, आप किसको आउट करेंगे, किसको अंदर रखेंगे. बट ऑल आई वुड वॉन्ट टू से इज़ के चैनल और प्रोडक्शन हाउस, पूरी टीम वहाँ पर आपकी सेफ्टी का इतना ख्याल रखती है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी लाइफ को कुछ खतरा है या आपको कुछ खतरा है. बट एट द सेम टाइम आपके टास्क इतने ईजी नहीं होते हैं, यू नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, यू नीड अ लॉट ऑफ स्टैमिना, और आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है कि आप उस टास्क को कंप्लीट कर पाएँ, और कंप्लीट करने से पहले आप उस टास्क के लिए हाँ बोल पाएँ, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है. तो फिर आपने क्या क्या प्रिपरेशन की है? प्रिपरेशन इज़ फिज़िकल एज वेल एज़ मेंटल. अगर फिज़िकल प्रिपरेशन की आप बात करें तो फिटनेस लेवल्स को मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली लॉट ऑफ कार्डियो, फंक्शनल ट्रेनिंग, वेट्स, स्विमिंग, दीज आर द थिंग्स दैट इफ़ यू डू दैट फॉर सम टाइम, तो आप अगर फिजिकली फिट हैं और मेंटली अगर आप रेडी हैं टास्क को लेने के लिए और अपने फियर्स को फेस करने के लिए, तो दैट इज़ मोर देन इनफ. ऑडियंस को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बहुत हिम्मत करके वहाँ जा रहा हूँ और पूरी कोशिश करूँगा कि अपना बेस्ट दे पाऊँ हर स्टंट में, और कहीं से भी आई विल ट्राई एंड नॉट लेट ऑल ऑफ यू डाउन, हु एवर्स ऑलवेज ऑलवेज सपोर्टेड मी. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो भी करूँ अपने पूरे दिल और जान लगा के करूँ, वहाँ पर अपना 100% दूँ, बाकी ऊपर हाथ में छोड़ते हैं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हिम्मत मिलती रहेगी.